और अब से कुछ ही देर में आपको ये बता दूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और वो कार्यक्रम बकायदा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 7 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, फिर 7 बजे ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और इसीलिए मैं भी वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम पढ़कर आपको बता रही हूँ। इंडिया गेट पर वो पैदल चलेंगे, यही वो इलाका है जहाँ पर वो पैदल चलने वाले हैं। उसके बाद फाउंटेन जो है उसके पास का मुआयना करेंगे और वो वक्त होगा 7:13, फिर 7:17 पर वो बच्चों की परफॉर्मेंस में हिस्सा लेंगे, फिर 7:22 पर नहर और लॉन में वो टहलने वाले हैं। जो नहर जो है तैयार की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नहर में जाकर, उस नहर के आसपास जाकर उस पूरे इलाके का मुआयना करने वाले हैं। ये आपके सामने पूरा का पूरा कार्यक्रम है। 7:10 पर इंडिया गेट पर वो पहुँचेंगे पैदल, फिर 7:25 पर श्रमजीवियों से वो संवाद करेंगे और फिर कर्तव्य पथ का एक एग्जीबिशन लगा है उसका उद्घाटन करेंगे 7:30 पर। उसके बाद वो 7:40 के आसपास जो है मंच पर आगमन करेंगे, हरदीप पुरी जो है उनका भाषण होगा केंद्रीय मंत्री, फिर उसके बाद एक शुभ मंगल गान होगा। इस बीच का मैं आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रही हूँ। और उसके बाद 8:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और फिर ड्रोन शो होगा नेताजी पर और वो होगा लगभग 8:30 के पास के आसपास, और फिर 8:35 पर कार्यक्रम समाप्ति यानी प्रस्थान हो जाएगा और फिर एक नए इंडिया, एक न्यू इंडिया, एक नए भारत की शुरुआत हो जाएगी। और जहनी तौर पर नाम बदलने से लेकर खूबसूरती से लेकर, और ये सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, ये उन जड़ों तक भी जाना ज़रूरी है जहां पर अगर किसी भी किस्म की गुलामी का कुछ अंश भी बचा है तो वो बदल जाना चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राधिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें और ध्रुव उसका, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। उम्मीद करती हूँ रुबिका जी मुझे बिना टोके आप बोलने देंगी। बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य पथ रखा गया है, पर कर्तव्य क्या होता है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य सिर्फ नाम बदलना है? लोक कल्याण मार्ग रखा गया था ना, किस लोक का कल्याण हुआ? एक इंसान का कल्याण हुआ जो 8 साल पहले जिसे कोई नहीं जानता था, और 8 साल इनकी सरकार के बाद आज वो विश्व के 3rd नंबर के सबसे अमीर आदमी है। कौन थे वो पहले? गौतम अडानी जी। कल्याण हुआ, पर जनता का कल्याण होना था। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या? उसकी तो आप खुद जानती हैं क्या हालात थे जब कोरोना था। उस कोरोना के समय देश को संभालने के लिए पैसा नहीं था, आप स्वयं कितने लोगों से मदद मांगी थी। आपको क्या कांग्रेस और श्रीनिवास की और हम लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए था कि आपको या हमको आपके लोगों की मदद करनी पड़े? क्लियर कर दूं, मदद करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए सिर्फ श्रीनिवास नहीं थे, मदद करने के लिए रोहित चहल भी थे, मदद करने के लिए चारू प्रज्ञा भी थी, मदद करने के लिए राधिका खेड़ा भी थी। और उस वक्त कोई पार्टी में अंतर नहीं था, ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना समाजवादी पार्टी थी, सब सबकी मदद कर रहे थे, सबकी मदद हो रही थी। और वो ऐसा टाइम था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना चाइना को समझ में आ रहा था, ना अमेरिका को समझ में आ रहा था, और ना हिंदुस्तान इस बात को। लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी की पूरी ईमानदारी से इस पूरे वायरस से निपटने की कोशिश की, आप अच्छे से जानती हैं। सेंट्रल विस्ता को जानने के लिए हमने अलग अलग तरीके और तौर अपनाए हैं। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्ता में किस तरीके से पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, पैदल चलने का इंतज़ाम किया गया है, बेंचेस वहां पर लगाई गई है, कूड़ेदान जगह जगह पर। और ये आप कहेंगे ये क्या इतनी इतनी सी बातें बता रही हैं रूबिका, ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे पहले अगर किसी को आइसक्रीम खाकर पन्ना डालना होता, और मैं उसकी गवाह हूँ, उसको ढूंढना पड़ता था कि डस्टबिन है कहाँ, कोई एक कोने में कहीं डस्टबिन हुआ करता था। लेकिन अब जगह जगह इन चीज़ों को बदला गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।